मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्कूलों में बच्चों के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दो दिन पहले कटारा हिल्स थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में 10वीं के छात्र के साथ केमिस्ट्री टीचर द्वारा यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भोपाल के प्राइवेट स्कूल के केमिस्ट्री टीचर द्वारा 10वीं के छात्र के साथ यौन शोषण के मामले में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में आरोपी टीचर के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू झूमरवाला ने मांग की कि स्कूल संचालन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। तो वहीं दूसरी ओर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन राजधानी में बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है, जिसको लेकर हम सरकार से न्याय की मांग करते हैं। पिछले 4 दिनों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चार चार बलात्कार के केस होते, वो भी बच्चों के साथ। तो बच्चों के पेरेंट्स जन और जनता बहुत चिंतित है, तो उसी चिंता को लेकर आज हम यहाँ पर स्कूल के सामने धरने बैठे थे। चूँकि इस स्कूल में एक बालक के साथ पिछले 2 साल से वीडियो बना के अप्राकृतिक कृत्य किया जा रहा था, उसको ब्लैकमेल किया जाता है सागर पब्लिक स्कूल में, हम इसके स्कूल के संचालक के खिलाफ FIR की मांग की है हमने और मान्यता रद्द किया है। कि स्कूलों में इस तरह की घटनाएं सामने आना बहुत ही गंभीर बात है और स्कूल प्रशासन को भी इस पर ध्यान रखना चाहिए कि जो वहाँ पे वो टीचर्स अपॉइंट कर रहे हैं उनका जो इतिहास है वो ठीक तरीके से देखा जाए। दूसरा मेरा ये मानना है कि इसमें प्रशासन को भी सख्ती बरतनी चाहिए, और चूँकि प्रशासन की कहीं ना कहीं ढिलाई रहती है, आप देखिए ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, तो प्रशासन को इसमें सख्ती बरतनी चाहिए और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए ताकि अपराधियों को कानून प्रशासन का भय रहे और वे इस तरह की घटनाएं करने से बचें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।